नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। धनवाही के किसानों की जमीन का अधिग्रहण, रोष में किसान। उमरिया के जोहिला क्षेत्र के कंचन ओपन कास्ट खदान के विस्तार अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन मंगलवार को किसानों ने कॉलरी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 24 से ज्यादा लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमीन अधिग्रहण रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 2003-04 SECL जोहिला क्षेत्र के कंचन OCM के लिए कुछ किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी और इसके बदले में रोजगार व एकमुश्त राशि देने के लिए कहा गया था। ग्रामीणों को यह मूल्यांकन सही नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि वो खेती और अपने आवासीय भूमि से ही जीवन यापन करना चाहते हैं। इस बारे में किसानों ने कई बार विरोध किया, लेकिन कभी भी इस मसले का निवारण नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उमरिया कलेक्ट्रेट से 6 अक्टूबर को पत्राचार भी किया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों के लगातार विरोध के बाद भी मामले का कोई निराकरण न किए जाने के कारण किसान इसे जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण बता रहे हैं, जिसे किसानों पर थोपा जा रहा है। किसान जब विरोध प्रदर्शन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से ही मौजूद थी और गेट पर ही किसानों को रोक दिया गया और उन्हें कलेक्टर से मिलने से रोक दिया, जिस कारण किसान वहीं बैठ गए और विरोध करने लग गए। इस पर ADM अशोक ओहरी ने उनसे मुलाकात की और कार्रवाई करने का आश्वासन दिलाया। कंचन OCM के कारण स्थानीय लोगों को आए दिन कोई ना कोई समस्या होती ही है। ना ही कंचन खदान में सेफ्टी के पैमाने ठीक हैं और अब किसानों के भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी सामने आ रहा है, जिस पर कालरी प्रबंधन चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि किसानों की मांग को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।